मैं बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो देखोगे तो मेरे लाइफ के बारे में सब कुछ समझ जाओगे कि ऐसा नहीं स्किप कर दिए मैं क्या निकाला हूँ, जो चीज़ें सच्चाई दिखती है वो होती नहीं है। तो इसलिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक डिसलाइक जो भी करना हो। देखो गाइस, यार देखो मैं गवर्नमेंट जॉब कोई निकाला नहीं हूँ। आप लोग बहुत बोल रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि यार गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल रहे हो तो वीडियो बनाओ, अपना पढ़ाई करो। ठीक है गाइस, वो तो ठीक है, मैं तो पढ़ाई करता हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, नहीं निकाला, ओके नो इशू, आप लोग जो भी बोलना बोल सकते हो। ठीक है यार, देखो जो मेरी वीडियो बनाने का है, ये मैं वीडियो ऐसे बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना, कि आपको देखना हो देखो यार, ना देखो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के लिए हेल्प करता हूँ, आप लोगों को कुछ ऐसी वीडियो रिसर्च करता हूँ। बहुत लोग यूट्यूब पे मिलेंगे यार, बहुत लोग यूट्यूब पे कुछ भी नहीं किए हैं, मैं तो एटलीस्ट तो गेट क्वालिफाइड भी हूँ यार 2-3 बार, ऐसे भी मेरे मार्क्स भी 1500 रैंक है। और वो तो मतलब मैं ट्रूली मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लिखी, मैंने इंटरव्यू बहुत सारे दिए, मतलब अभी दिए हैं, मेरा UPSC ए में नहीं हुआ। आप लोग बोल रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, मेरा UPSC ए में नहीं हुआ, ओके। और BPSC का वेट है, बाकी नहीं होता है तो यार ऐसा नहीं है लाइफ की एंड हो जाती है, बहुत लॉट ऑफ ऑप्शन, ओके। तो गाइस ऐसा नहीं है, आप लोग जो सोच रहे हो यार जाके पढ़ाई करो, ठीक है यार, देखो ये चीज़ आपकी बात फैक्ट है, आप जो बोल रहे हो किसी को बताने से पहले अपने पहले कुछ करना चाहिए, ये बात आपको सही लगता है। बट गाइस वो तो ठीक है, बट यार मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, आई थिंक मुझे वीडियो बनाने में कोई मज़ा आता है तो मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ यार। ऐसे नहीं, आज से नहीं, मैं बहुत सारे दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं कॉलेज टाइम पे था तभी बनाता था, ओके ऐसा नहीं। बट आप लोगों ने बोला तो यार मैं ऐसा कर सकता हूँ यार, आप लोग आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं किया तो इसलिए वीडियो मत बनाओ, ओके। तो यार ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर मिलेंगे, ओके, और मेरा गेट वश है मेरा क्वालिफाइड, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे नहीं हुआ, मेरा राजस्थान में हो जाता, एक्चुअली मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे बट वहाँ पे पेपर कैंसिल हो गया। भाई तुम लोग यार क्या चाहते हो, ठीक है मैं वीडियो ना बनाऊँगा, आप बोलो नहीं बनाऊँगा यार, आप लोग आप बोलोगे वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे भी पढ़ाई करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं। बट आप लोगों को थोड़ा यार मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग इसमें बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सारे सालों से पढ़ाई करे, 7-8 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट जॉब ने बहुत लोगों को, तो यार बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं मैं KG में बहुत लोग ज्वाइन किए तो बहुत लोगों ने मुझसे कॉल किया, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, ओके, तो मैंने बताया उनको। आप लोगों को लगता है देखिए आप लोग बहुत ख़राब ख़राब मैसेज करते हो कि ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है यार आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको भी पता चलेगा पास्ट फ्यूचर में क्या क्या होती है, क्या क्या करना है, तो मैं कहाँ से पढ़ा हूँ ना, वहाँ से आप पढ़े होते तो जानते, मैं 12th कहाँ किया हूँ ना, आप वहाँ तक ना गेट क्वालिफाइड वहाँ से कोई करके दिखाए तो जाने, मैं जहाँ से पढ़ाऊँ ये गाँव से पढ़ाऊँ जहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी 10th क्लास तक में एक लाइट नहीं थी, जो लालटेन दिया होती है ना, जो आपकी केरोसिन ऑयल से जलती, उससे मैं पढ़ता था और 4 किलोमीटर पैदल जाता था पढ़ने, और वो भी ऐसे प्राइमरी स्कूल में जो होती हैं, कुछ भी टीचर नहीं थे। 9th 10th तो ऐसे मैं निकाला, उसके बाद आगे निकाला, फिर बीटेक किया मैंने, बीटेक एज ए फैसिनेट मैं नहीं था, मुझे आई डोंट नो सिविल ब्रांच होती क्या है, मुझे नहीं पता था, मैंने निकाला, मेरा कोई ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया नहीं था, यूपी SSSC जो एक एग्ज़ाम होता है कंडक्ट कराती है UP, तो उससे मैंने दिया था बस, और कोई एग्ज़ाम IIT से AI और भी जो भी सारे एग्ज़ाम होते थे मुझे नहीं था, तो मैं कुछ पता नहीं था, गांव से था, मेरा डिप्लोमा गवर्नमेंट जॉब में हुआ था डिप्लोमा में, बट एक्चुअली क्या उस समय मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो पापा की डेथ होने के बाद मैं बहुत डिप्रेस हो गया, तो 10th 12th तो मैं पढ़ ही नहीं पाया सही से, एक्चुअली अब 10th 12th नहीं पढ़ने की वजह से मेरी पढ़ाई बहुत डाउन हो गई उसके वजह, जिस 10th क्लास में तो मेरे पापा डेथ हुई, मेरी केमिस्ट्री की पेपर थी उस दिन से इतनी डेथ हुई, अगले दिन मेरी मैथ की पेपर थी, तो सोच सकते हो। आप लोग बोलते हो ठीक है यार बोल लो, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं गाइस, ये आपको समझना, मैं ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहता, बट आप लोग कमेंट करते हो ये करते हो, देखो मैं भी मानता हूँ मुझे जॉब निकालना चाहिए, ये करना चाहिए, करने से पहले आप लोगों को बताने से पहले कुछ, बट हाँ मेरी जो एक्सपीरियंस है मुझे जो पता है क्या करना चाहिए, देखो मैं नहीं कर पाता, आप कर सकते हो, आप ज़रूर कर सकते हो, मैं नहीं किया यार कुछ भी नहीं किया, आई एम फेलियर, आप लोग बोलते हो ना आई एम फेलियर, कुछ भी नहीं किया लाइफ में, कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला, ठीक है फ्यूचर में क्या होगा आई डोंट नो, बट हाँ गेट में अच्छा स्कोर किया तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, ऐसे नहीं है बहुत सारे कॉलेज के आते हैं, कॉलेज में आते हैं कि पढ़ा दो, बट मैं नहीं पढ़ाता यार, एक्चुअली क्या है ना मुझे गवर्नमेंट के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस में जाना ही जाना है, तो आज नहीं कल तो होगा ही यार। आप लोग ठीक यार क्या सोचते हो, आई डोंट केयर यार, मतलब आप लोग मैसेज करते हैं, आप लोगों को फ़ायदा होता है,
एक्चुअली आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, मुझे देखा हूँ बहुत स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ मेरी वीडियो से, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मैंने देखा है कि उनको बहुत सारे फ़ायदा हुआ। मेरे पे आके कमेंट करते हो ना, ऐसे नहीं कमेंट करते आके, कुछ तो रीज़न है आप लोग कमेंट करते हो ना, कुछ तो डिसलाइक लाइक करते हो ना। ये सब मेरी स्टोरी है, मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बताया, मैंने कहाँ से निकला था और कैसे कि मैं बहुत प्योर गांव से निकला था। मैं 12th जब किया तो बहुत प्योर गांव, वहाँ पे कुछ भी सो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जीरो लेवल के, मेडिकल जीरो। इस मेरे गांव में कोई पढ़ता ही नहीं था, सोचो कोई नहीं पढ़ा है, कोई नॉलेज तक नहीं है, जीरो लेवल का नॉलेज था। मेरी फैमिली बस पढ़ी हुई है और कुछ नहीं, मुझे तो उतनी सपोर्ट नहीं मिली। इंजीनियरिंग फील्ड से मैं जीरो नॉलेज रखता था, जीरो। जब बीटेक में एडमिशन लिया, मैं हिंदी मीडियम से स्टूडेंट था, जब बीटेक में आया तो कुछ पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। मैं रोने लगा था, सोच रहा आई लिव छोड़ दूंगा बीटेक, पर बीटेक छोड़ा नहीं मैंने, लड़ा फाइट किया। और बीटेक में मेरे फर्स्ट ईयर में कुछ अच्छे परसेंटेज आए, मतलब 60 अबव आए, 60-65 के बीच। ओके, अगले सेमेस्टर मुझे एक लड़का चैलेंज किया, सुनो कॉल अब बता ही दे रहा हूँ तो बता रहा हूँ, एक लड़का मुझे चैलेंज किया कि तुम्हारे 60% भी नहीं आ पाएंगे, वाई भी आ जाएगा। तो मैंने उस सेमेस्टर में 70% के करीब लाया मार्क्स, सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर में, सॉरी सर। ओके, और ऐसे रहा, थर्ड ईयर में भी ऐसे किया तो मैं 5 में आया पूरे कॉलेज, मतलब स्कूल में। ऐसे मुझे चैलेंज CSIT में किए, बहुत सारे सब्जेक्ट में लोग टीचर चैलेंज करते थे, क्योंकि यार मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे कम्युनिकेशन स्किल मेरी अच्छी नहीं थी उस समय, क्योंकि इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं थी, आज भी उतनी अच्छी नहीं है आई नो, बट ठीक ठाक इंग्लिश है। पहले जैसे एकदम मीडियम में लिखने, क्योंकि 12th से मैं पढ़ा था और गाँव से एकदम प्योर गाँव से, बहुत लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, सिटी से बिलोंग करते हैं, बट उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, बट मेरी एकदम प्योर गाँव से, मेरे कोई इंग्लिश नहीं। वहाँ पे खेतों उतने हाई लेवल के जो कास्ट डिवाइड होते हैं ना, जैसे हमारे लो लेवल के कास्ट तो उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हम उनको सजेस्ट करता हूँ पढ़ाई करो, बट कोई नहीं पढ़ता था, कोई भी नहीं पढ़ता, सब मुंबई दिल्ली वाले होते थे, सब लोग कमाने जाते थे। आप लोगों की स्टोरी क्या है, आप लोग तो शहर से बिलोंग करते हो या CBSE या अच्छे से जगह से पढ़े होगे, या सिविल इंजीनियरिंग का आपको बहुत सारा वो रहा होगा, बट हाँ नॉलेज सिविल इंजीनियरिंग का कुछ भी पूछ ले यार, मैं बता दूंगा, इतना तो गारंटी के साथ बोलता हूँ। बट वही चीज़ है आप लोगों के साथ जो बोले ना यार, जॉब ऑफ लाइफ में तो खुश रहो यार, हैप्पी रहो, मेनली जॉब सब लोग पा जाते तो अच्छा रहता यार, ऐसा नहीं है, मैं नहीं पाया यार अभी तक तो, कोई नहीं यार, एज नहीं मेरी चली गई, अभी 24-25 साल का हूँ मैं, बट सपोर्टिव रहो, फैमिली सपोर्टिव है, सब कुछ कर रही है, नहीं मिलेगा था बहुत सारी चीज़ें यार। तो आप लोग बोलो, कमेंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं यार। गाइज गाइज आप लोग, एक लड़का बोल रहा है कि कपड़े एक ही पहन दो, यार कपड़े से किसी को जज नहीं करते यार, कपड़े से जज कर लोगे कि ऐसा यार, कपड़े आप ना मार्क जगरपुर एक ही कपड़ा, ध्रुव राठी एक ही कपड़ा पहनता है, एक वीडियो में हमेशा देखता है, उससे जज नहीं करते तुम। ऐसे लोग जो जज करते हैं ना, वो अपनी लाइफ पे खुद मार रहे हैं। किसी को जज, एक वर्कर होता है, एक काम करता है, बट कितना मेहनत करके और क्या कर लेता है यार। तुम लोग ये मत सोचो यार, लाइफ को अपने खुद मोटिवेट करो, आगे बढ़ो। मैं नहीं किया यार, तुम लोगों को बताता हूँ कैसे क्या करना, बताता हूँ। मैं बहुत ऐसे टीचर्स मिले हैं, कुछ भी नहीं उखाड़े हैं वे, वो सब पढ़ा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाले हैं, कुछ भी गेट तक क्वालिफाइड नहीं है, बट आप जाओ देखो, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है ना जो ऑनलाइन चल रही हैं, जाओ देखो, उससे पढ़ते हो जाके, वो झूठ बोलते हैं ये एग्जाम निकाला हूँ, कुछ नहीं निकाले होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग समझो। अब मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में बता दिया, और भी चीज़ें जानना हो तो कमेंट कर रहे, पर पूरा स्टोरी बताऊँगा अपना, क्या मैं कैसे क्या किया हूँ। पता है जब मैं MKG ज्वाइन किया था ना, IIT वालों लड़के थे, मतलब बहुत, मतलब मैं बीटेक में गया था तो बहुत लोग हंसी उड़ाए थे मेरा, क्या तू गांव से बीटेक कैसे करेगा, कैसे कर लेगा। पता मेरे कॉलेज में 120 स्टूडेंट थे, पता है पास आउट कितने हुए थे, तुम लोगों को नहीं पता होगा, 40 स्टूडेंट, 80 कहाँ गए, वाइवा लग गई थी। हिंदी मीडियम में दो लड़के सिर्फ, हिंदी मीडियम वाले सिर्फ दो लड़के पास हुए थे, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरा मार्क्स था विदाउट वाईवी बैक। तो गाइज बस इतना ही अभी क्लियर रखते हैं। आप लोगों को कोई भी और फुल स्टोरी चाहिए, फुल स्टोरी में तो मैं धूम धड़ाका से बताऊँगा आपको स्टोरी, बट गलत मत सोचना, जो भी गलत है आप अपने पे लेके मत जाना। थैंक यू गाइज, बाय बाय, हैप्पी होली सभी लोगों को, एंजॉय कीजिए, सेफ होली भी, सेफ होली, और स्टे होम, और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली और घर वालों के साथ। थैंक यू, लव यू, हैप्पी होली।